अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको एक एकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। नाउ एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10²³ इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वन मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो होते हैं 6.022 × 10²³, और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एग्जाम्पल, वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम कंटेन 6.022 × 10²³ कार्बन एटम्स। अगर आपके पास एक मोल है कार्बन 12 का तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6.022 × 10²³। नाउ मोलर मास, द मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर मोल इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सब्सटेंस एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन एटॉमिक मास यूनिट्स। जो वन मोल ऑफ सब्सटेंस का मास है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स पर मोल, और इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकली ये इक्वल होगा सब्सटेंस के एटॉमिक या फिर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास इन AMU। एग्जांपल, द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18.016 ग्राम पर मोल कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 × 1.008 ग्राम पर मोल प्लस 16 ग्राम पर मोल। अब अगर हम मोलर मास ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर का जो होता है फॉर्मूला वो होता है H2O, ठीक है, मींस के 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो अब हाइड्रोजन के 1 एटम का जो है मास यूनिट वो क्या होता है 1.008 ग्राम पर मोल। तो अब 2 हाइड्रोजन एटम है तो हम 1.008 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलर मास बन जाएगा वाटर का 18.016 ग्राम पर मोल। नाउ ग्राम एटॉमिक मास, द मास इन ग्राम्स ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट इट इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या है, मास की रिप्रेजेंटेशन इन ग्राम्स में किस चीज के मास की, वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अब ये जो आपका ग्राम एटॉमिक मास है ये इक्वल होगा किस चीज के एटॉमिक मास के, उन तमाम एलिमेंट्स के जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उनका हम मास लेंगे इन ग्राम और उनको एड अप करेंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड के ग्राम एटॉमिक मास आ जाए। द मास इन ग्राम्स ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, वन मोल ऑफ एटम्स के अंदर जो है जो मास आपका एग्जिस्ट करेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन ग्राम्स, सो हमारे पास वो आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इट इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जो आप एटॉमिक मास उस एलिमेंट का मास के अंदर जो है वो ग्राम्स के अंदर जो है आप उसको एक्सप्रेस करोगे तो वो और जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जांपल, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.01 ग्राम्स। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मास इन ग्राम्स ऑफ वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। उस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको हम लेंगे और उसके वन मोल का जो मास है उसको हम एक्सप्रेस कर देंगे इन ग्राम, तो हमारे पास वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दिस विल बी इक्विवेलेंट टू द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा, इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। एग्जाम्पल, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44.01 ग्राम्स कैलकुलेटेड फ्रॉम 12.01 ग्राम पर मोल फॉर कार्बन एंड 2 × 16.00 ग्राम पर मोल फॉर ऑक्सीजन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 44.01 ग्राम्स जो कि होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्राम फॉर्मूला मास,
द मैस इन ग्राम्स ऑफ वन मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इट इज इक्विवेलेंट टू द फार्मूला मैस एक्सप्रेस इन ग्राम। जो मैस आपका ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस होगा फॉर वन मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो उस एनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है वो होगा ग्राम फार्मूला मैस। और ये जो आपका ग्राम फार्मूला मास है ये इक्वल होगा किस चीज़ के, फार्मूला मैस के जो कि हमने ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस किया होगा। एग्जाम्पल, द ग्राम फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.44 ग्राम्स। इसको कैसे कैलकुलेट किया, सोडियम के लिए 22.99 ग्राम पर मोल और फॉर क्लोरीन 35.45 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास आ जाएगा 58.44 ग्राम्स। नाउ मोल, अ मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आइंस या फिर पार्टिकल एज देयर आर इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 विच इज एवोगाड्रोस नंबर 6.022 एक्सपोनेंट 23। अब मोल क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किस चीज का, फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर हमारे पास सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आइंस या पार्टिकल्स हों जितना कि हमारे पास कार्बन 12 के एटम 12 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर जो कि होता है 6.022 एक्सपोनेंट 23। एग्जांपल, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 6.022 एक्सपोनेंट 23 H2 मॉलिक्यूल एंड हैज अ मास ऑफ एप्रोक्सीमेटली 2.016 ग्राम्स। अब अगर आप एक मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात करोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे, H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे और जो उनका मास होगा वह अप्रॉक्सीमेटली 2.016 ग्राम्स होगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक मी वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज टू देयर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट नोटिफिकेशन फॉर ऑल द वीडियोज which we have uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.